सुरक्षा बलों के इनकाउंटर में 6 नागरिकों की मौत से एक बार फिर घाटी में तनाव बढ़ रहा है। 3 दिन से श्रीनगर और आसपास के जिले पूरी तरह बंद हैं। देखिए रिपोर्ट। सुरक्षा बलों की गोलीबारी में मारे गए 6 नागरिकों के विरोध में कश्मीर घाटी 3 दिन से बंद है। श्रीनगर में ज्यादातर दुकानें, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर बंद हैं और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। श्रीनगर के संवेदनशील डाउनटाउन इलाके में सुरक्षा बलों की कई टुकड़ियां लगातार गश्त कर रही हैं। पाठा चौक के पास सुरक्षा बलों और स्थानीय नागरिकों के बीच झड़प भी हुई। श्रीनगर पुलिस ने यहां से 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया है, जिन पर पत्थरबाजी करने और आजादी के समर्थन में नारेबाजी का आरोप है। यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है। हमने देखा यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन बहुत है। कल यहाँ पर स्टून पेल्टर की मौत हो गई। कल यहाँ पर स्टून से जो जिसकी मौत हुई वो हर एक जगह पर छाया हुआ है, लेकिन सिविलियन किलिंग्स यहाँ पर हो रही है कोई बात भी नहीं करता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन पहले खत्म होनी चाहिए, तभी कुछ यहाँ पर मतलब पीस या और कुछ जो यहाँ पर शुरू हो सकता है। श्रीनगर के अलावा गांदरबल, बड़गाम और बनिहाल में भी 3 दिन से बंदी जैसे हालात हैं। वहीं अनंतनाग के एक नागरिक ने आरोप लगाया कि उनके घर में शादी थी और मेहमान जमा हुए थे, इसी दौरान सुरक्षा बलों ने पत्थरबाजों को पकड़ने की कार्रवाई में उनके घर को भी निशाना बनाया। ये हड़ताल सैयद अली गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक और मोहम्मद यासीन मल्लिक की संयुक्त अपील के बाद बुलाई गई है। कश्मीर में हाल के दिनों में हालात तेजी से खराब हुए हैं। बीते दिनों पत्थरबाजी के चलते यहां चेन्नई के एक सैलानी की मौत भी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।